हेलो फ्रेंड्स मैं हूं निशा खंडेलवा स्वागत है आपका अपना अपना स्वाद में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस मलाईदार रेसिपी मलाई कोफ्ता ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है तो हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी मलाई कोफ्ता कैसे बनाए जाते हैं हमने 100 ग्राम पनीर को कद्दूकस करके लिया है और दो आलूओं को भी कद्दूकस करके लिया है अब हम कद्दूकस किए हुए आलू और पनीर को मिक्स कर लेंगे हम इसमें एक चौथाई चम्मच काली मिर्च डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा हरा धनिया पत्ती डालेंगे अब हम इसमें चार चम्मच मैदा डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेते हैं कोफ्ते की फीलिंग के लिए हमने कटे हुए काजू और किशमिश लिए हैं हमने डो के एक छोटा सा पार्ट लेके उसको हथेली पर फैलाएंगे और उसमें दो तीन काजू व किशमिश डालेंगे अब हम इसे पैक कर लेते हैं और गोल गोल पेड़े का शेप बना लेंगे अब इसमें मैदा में लपेट लेंगे और एक्स्ट्रा मैदा को हटा देंगे ध्यान रहे हमारे कोफ्ते में कोई क्रैक ना रहे इसी तरह हम सभी कोफ्ते तैयार कर लेंगे अब हम एक पैन में तेल लेंगे और तेल गरम होने पर हम इसमें कोफ्ते को डाल लेंगे जब कोफ्ते एक तरफ से सिक जाए तो हम उन्हें पलट लेंगे इसी तरह हम सारे कोफ्ते को पलट पलट कर सेक लेंगे हमारे कोफ्ते अब ब्राउनिश हो गए हैं हम कोफ्ते को एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हमें बनानी है कोफ्ते की ग्रेवी ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक पैन में आधा बड़ा चम्मच तेल डालेंगे तेल गर्म होने पर हम इसमें एक चौथाई चम्मच जीरा एक तेज पत्ते का टुकड़ा दो हरी इलायची एक बड़ी इलायची एक दालचीनी का टुकड़ा तीन से चार लौंग छः से सात काले मिर्च पाँच से छः लहसुन की कलियां और एक इंच अदरक का टुकड़ा कुछ कटे हुए प्याज डालकर हम इन्हें कुछ देर तक भूनेंगे अब हम इसमें दो कटे हुए टमाटर डालेंगे और इन्हें हम कुछ देर तक पकने देंगे हमारे ग्रेवी का मसाला पक चुका है अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और मिक्सी जार में डाल लेते हैं और साथ ही में हम इसमें आठ से दस काजू डालकर इसे पीस लेते हैं हमारी ग्रेवी पिसकर तैयार है अब हम चन्नी से छान लेंगे ताकि ग्रेवी में कोई साबुत मसाला ना रहे अब हम एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे तेल गरम होने पर आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे इसमें एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच खाने वाली रेगुलर लाल मिर्च आधा चम्मच धनिया पाउडर एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालकर हम इसे फटाफट से अपनी ग्रेवी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं ग्रेवी में थोड़ा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे और अब ग्रेवी को पकने देंगे हमारी ग्रेवी में सब तेल अलग होने लगा है अब हम इसमें तीन चम्मच मलाई या क्रीम डाल देंगे और इसे फिर से पाँच से सात मिनट पकने देंगे लास्ट में हम ग्रेवी में थोड़ी चीनी तीन चार चीनी के दाने और थोड़े से कस्तूरी मेथी डालकर और एक चौथाई चम्मच गरम मसाला ग्रेवी में डाल लेंगे आवश्यकता लगेगी तो हम ग्रेवी में थोड़ा पानी या दूध ऐड कर सकते हैं और इसे थोड़ी देर और पकने देंगे हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है अब हम चाहे तो ग्रेवी में ही कोफ्ते डाल सकते हैं लेकिन मैं ग्रेवी कोफ्ते के ऊपर से डाल रही हूँ हमारी डिलीशियस मलाई कोफ्ते की रेसिपी बनकर तैयार है और हमारे कोफ्ते भी ऐसे बने हैं जो मुंह में जाते ही घुल जाएंगे दोस्तों अगर आपको मेरे गुलाब जामुन का वीडियो देखना है तो आप इस आई बटन पर क्लिक कीजिए दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें